तो पैर थक जाते हैं, पत्नी फैल जाती है सड़कों पर, बकरा खत्म हो जाती है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती कोई भाग थकते हमारे बड़ा हाल हो जाता है। लिहाजा आप पढ़ते रहे, दुआएं मांगे, अपने खेमे में आ जाए। तीसरी बिल्ली 21 कंकरी जो बची, तीनों शैतान को मारे, छोटे को, मजले को। और आप देखेंगे अफगानिस्तान के लोग गालियां बहुत करते हैं, जूता निकाल के उसको मार देते हैं, तू शैतान है, तू बेटा है। ये ओवर एक्टिंग इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। जो अदब रसूलुल्लाह ने सिखाया तो सुन्नत के मुताबिक कंकरी मारना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, शैतान की शकिस्त है, आ रहे गाली बकने से नहीं आ रहे। एक और गुना आपने कर लिया, आपने हजूर हरम में एक गुना किया, 1,00,000 वही दीदी आई, आप एक सजदा करेंगे 1,00,000 सजदे का सवाब मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हाजियों से कम एक रोजा जरूर रखें, मक्के वहां करें। आप जिस निकास से गुजरेंगे, अभी जहाज से गड्ढे से जाते हैं, जहाज जाते थे, आवाज नहीं आएगा, जब आवाज आ गया कुछ पूछना चाहती है। तीन काम करना है आपको, हिम्मत से काम नहीं खोलते, कोई गाड़ी टैक्सी हिम्मत से काम नहीं है, अल्लाह को भरोसा रखेंगे, अल्लाह का काम। पहले एक शैतान की रास्ता खुली होगी, बड़े वाले की मां जाके मारी आए, तरीका सिर्फ इसी तरह से मारी कंकरियां और वापस आकर अपने खेमे में बैठना है। इसके बाद आपको कुर्बानी करना होगी, कुर्बानी का तरीका आप लोग को प्राइवेट में जा रहा है, आपको आसानी रहेगी, सब लोग इज्तिमाई तौर पर मिलके और सुन्नत तरीका है, उस तरह से कुर्बानी दें। उसके बाद हलफ करा सकते हैं आप, हलफ वहाँ कराएंगे, बड़े बात छोटे हैं हालांकि चाहे दूसरे के करने या किसी के करवाने, बाथरूमों के साइड चाय खड़े होते हैं उनसे कराने। अब आती दोनों पल्लू बराबर रखिए, ये देखिए दोनों सिरों को मिला लेते हैं पल्लुओं को, ये देखिए इसमें गांठ नहीं मारी जाती है, लपेट लिया जाता है, ऊपर से एक बैंड बांध सकते हैं, इतना टाइट कर लें आप कि आपको उस वक्त तो टाइट लगेगा लेकिन बाद में ये ढीला हो जाएगा, और इसके ऊपर अपनी बैंड लगा लें ताकि उसमें पैसे वगैरह थोड़े बहुत रख लीजिए। ये दूसरा टुकड़ा भी इतना ही बड़ा है, इसे चादर कहते हैं, इस तरह से इसे बाएं कंधे के ऊपर से डाल लें, नीचे कोई अंडरवियर भी दे रहेगा, कोई नेकर या बनियान सिला हुआ कोई कपड़ा अंदर नहीं पहनना है, ये आराम आपका हो गया। अब जब आप खाने काबा पे जब दीदार हो और जब तवाफ करना शुरू करें तो आपका ये कांधा खुला हो जाता है, दाहिना कांधा खोलना है, देखिए लोग तो पहनते हैं दस्तूर हाजी शाही दस्तूर तरफ से कैंप लगाया गया है, ये इस पर प्राइवेट हाजियों को आज टीका कराना है और उनको समझाया जा रहा है। भाई सभी आदमियों से गुजारिश है कि वहाँ जाकर के मक्के और मदीने में बरेली आ रहा था ये वहाँ पर अब इनकी मूवी बन गई, दो अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ताला हमारी फ्लाइट गल्फ एयरलाइन दिल्ली से 135 5 तारीख को शाम 9:50 पर रवाना होगी।
बहरीन होते हुए हम लोग जद्दा सुबह 4 बजे इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे। कुल 97 लोग मेरे ग्रुप में शामिल हैं, इंशाल्लाह ताला ग्रुप सही सलामत पहुंचे, इसके लिए आप भी दुआ करें।